हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट गैमेटोजेनेसिस। इट्स 1:30 AM एट नाइट, यानी नाइट के 1:30 यानी रात को 1:30 बजे मैं आप लोगों के वीडियो बना रहा हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि दिस वीडियो विल बी हेल्प बहुत आरबीसी एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स, यानी आरबीसी और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये जो कंटेंट है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। इस वीडियो में हम लोग गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हार्मोन कंट्रोल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, इन तीन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्रोसेस, यानी कह सकते हैं इट इज ए प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यू कैन ऑल्सो राइट इट इज ए प्रोसेस गैमेट्स फॉर्मेशन इन गोनेट ओवरी एंड टेस्टिस। हम लोग उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन। पहले आप लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में समझेंगे तो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ह्यूमन इज ए यूनिसेक्सुअल एनिमल, ओके। और यू कह सकते हैं इट इज ए टू टाइप, मेल एंड फीमेल। इन मेल टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड ओवरी आर द प्राइमरी सेक्स इन फीमेल। मेल और फीमेल का वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं। इट इज ए प्रोसेस बाय विच, यानी प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड गैमेट्स, ऑल्सो यू कैन राइट हैप्लोइड गैमेट्स इन गोनेट्स ग्लैंड्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एनिमल्स। इसको आप लोग कंफर्म कर लें कि कैसे गैमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन उन एनिमल्स में होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यू कह सकते हैं गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस ओनली ऑक्यूर या ओनली प्रेजेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एनिमल्स, व्हिच एनिमल्स डू नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस एब्सेंट दीज एनिमल्स, यानी उनमें गैमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये आपको समझ गए होंगे। और गोनेट्स आर टू टाइप, फर्स्ट टाइप इज द टेस्टिस, सेकंड इज ओवरी। हम लोग समझ सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एनिमल्स हैं उनकी जो सेक्स ग्लैंड है टेस्टिस और ओवरी, जिनके हम लोग मेन फंक्शन पहले ही हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उनमें गैमेट्स का हैप्लोइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और वन थिंग आई वुड लाइक से, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड एंड प्योर। ये ध्यान देंगे, गैमेट्स आर हैप्लोइड एंड प्योर। अब ये ध्यान देंगे क्यों होते हैं, ये भी इसको एक्सप्लेन कर बता दूं। यू कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन टू टाइप, नंबर ऑफ द बेसिस दो क्रोमोसोम, हैप्लोइड नंबर एंड डिप्लोइड नंबर्स। यू कह सकते हैं कि सम एनिमल्स, ऑलमोस्ट एनिमल्स आर डिप्लोइड्स द अकॉर्डिंग द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर्स, ओके सर। यू इंक्लूड द ह्यूमन एंड हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। यू कह सम एनिमल्स मे बी हैप्लोइड द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर लाइक एल्गी एंड फंगस। अब मैंने अभी बताया कि गैमेट्स ऑलवेज विल बी हैप्लोइड। अब आप कैसे समझेंगे, तो इन डिप्लोइड एनिमल्स द गैमेट्स फॉर्मेशन बाय द मियोसिस डिवीजन, सॉरी माइटोटिक डिवीजन। ये ध्यान देंगे, सॉरी आई एम रिपीट करूं, डिप्लोइड जो एनिमल्स होंगे उनमें जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा वो मियोसिस बाय द मियोसिस सेल डिवीजन, और मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ए डिप्लोइड सेल ए डिप्लोइड जर्म सेल फॉर्म इक्वल फॉर हैप्लोइड गैमेट्स, इक्वल फॉर हैप्लोइड गैमेट्स। और जो डिप्लोइड हैप्लोइड एनिमल्स होते हैं, एग्मिक जो एनिमल्स होते हैं उनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन यानी कैसे माइटोटिक, कौन सा डिवीजन से, माइटोटिक या यू कैसे माइटोसिस यानी समसूत्री डिवीजन से होगा। और यू कह सकते हैं ए हैप्लोइड सेल प्रोड्यूस टू हैप्लोइड सेल बाय द माइटोटिक डिवीजन, और बोथ सेल्स आर इक्वल द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर्स। इफ मदर सेल is haploid, then daughter cells also will be haploids. तो आप समझ गए होंगे कि diploids और haploids जो animals होते हैं उनमें जो जो gametes होते हैं always will be haploid. ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि diploid animals में इनका formation कैसे होगा, meiosis cell division होगा, और इनमें किसे होगा, mitotic, okay sir। तो हम start करते हैं इस topic को आगे।
तो गैमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एनिमल्स। अब यू कह सकते हैं गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, कह सकते हैं कि गैमेटोजेनेसिस इज कंसिस्ट ऑफ द थ्री स्टेप्स। सबसे पहली बात यू कह सकते हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कंसिस्ट इन फॉलोइंग द थ्री स्टेप्स। फर्स्ट यानी जो गैमेटोजेनेसिस है उसमें थ्री स्टेप आते हैं, याद आप इसको समझ जाएंगे। यानी पहले लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टेप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस यानी स्टेप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेप इज मल्टी एंड फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ये आपको समझेंगे इसको मल्टीप्लीकेशन। इन दिस फेज या इन दिस स्टेप ऑल द जर्म सेल रेगुलर डिवाइडेड बाय द माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज देयर नंबर्स। ये इसको समझेंगे कि गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसके जो स्टेप्स है देयर आर थ्री स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इन दिस यू कैसे इस स्टेप के अंदर जितने भी जो डिप्लोइड जो जर्म सेल्स होगी जो कैन द व्हिच कंटेन इन ओवरी एंड टेस्टिस, टेस्टिस जो ओवरी में जो जर्म सेल होती है डिप्लोइड जो सेल्स होती है व्हिच टेक पार्ट इन गैमेटोजेनेसिस, जो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस भाग लेती है उनमें यू कह सकते हैं इस प्रोसेस या इस फेज में दे जर्म सेल्स डू by the mitotic division, and increase their या increase over numbers, अपनी संख्या में सब वो क्या करती है बढ़ाती है। इस वक्त मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता रखा है कि ये जर्म सेल है और this germ cell regularly divided by the mitosis and mitotic division and increase their number 1 to 2। हम जानते हैं कि a diploid cell produce two diploid cells by the one mitotic division। तो यू कह सकते हैं इट इज अ मदर सेल, यू कैन ऑल्सो जर्म सेल, ये जर्म सेल डिवाइडेड बाय द माइटोटिक एंड इंक्रीज देयर नंबर 1 to 2 to 4। ये आपको समझ आ रहा होगा इसके इंक्रीज जो नंबर्स होगा और मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 4 8 ओके, इसकी संख्या जो इंक्रीजमेंट होगा वो यू कैसे मल्टीप्लाई बाय 2 इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको हम लोग आगे समझेंगे मल्टीप्लिकेशन। सेकंड इज यू कह सकते हैं ग्रोथ, सेकंड इज ग्रोथ। ये मैं गैमेटोजेनेसिस से बता रहा हूं। तो सेकंड फेज या सेकंड स्टेप ऑफ ग्रोथ इट स्टेप कम्स आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन। इन दिस फेज द जर्म सेल्स यू कैन से जर्म सेल्स स्टॉप देयर माइटोटिक डिवीजन या सेल डिवीजन एंड ग्रोथ एंड इंक्रीज देयर साइज, ग्रोथ इंक्रीज इन साइज। सर ये समझेंगे इन दिस फेज जर्म सेल इंक्रीज देयर नंबर्स, यानी इस सेल में तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं नंबर्स में इंक्रीज कर दी और इन दिस फेज दी सेल्स स्टॉप देयर सेल डिवीजन एंड इंक्रीज देयर साइज, इंक्रीज ग्रो एंड इंक्रीज देयर साइज ओके। थर्ड स्टेप इज मैच्योरेशन, मैच्योरेशन और इसको समझेंगे परिपक्व। इन दिस फेज यानी इट फेज या इट स्टेप या स्टेप कम्स आफ्टर ग्रोथ फेज ओके सर। इन दिस फेज जर्म सेल यानी कह सकते हैं कि गैमेट्स मदर सेल्स डिवाइडेड बाय द मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन असूत्री विभाजन के द्वारा डिवाइडेड करती है एंड प्रोड्यूस हैप्लोइड गैमेट। दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड मैच्योरेशन इन परिपक्वन। तो आप समझ लो गैमेटोजेनेसिस यू कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स ओके सर, दीज आर थ्री। अब हम लोग पढ़ेंगे यू कह सकते हैं द काइंड्स ऑफ द गैमेटोजेनेसिस, यू कह द प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस आर टू टाइप। यानी अभी तो हमने क्या पढ़ा उसके स्टेप पढ़े, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं द काइंड्स ऑफ यानी काइंड्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस या द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस आर टू टाइप ओके। द प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस आर टू टाइप, फर्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस ओके स्टूडेंट्स आप इसको समझ रहे स्पर्मेटोजेनेसिस ये शुक्र जनन है ओके। सेकंड वन इज ओजेनेसिस ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो यू कह सकते हैं लॉन्ग हो जाता है। ओजेनेसिस वी विल या वी वुड दिस स्टडी अबाउट ओजेनेसिस इन नेक्स्ट वीडियो ओके। तो हम लोग सबसे पहले यू कह सकते काइंड ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस आप समझ लोगे। सबसे पहला इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्पर्म, इट इज ए प्रोसेस ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन या यू कह सकते हैं ए प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड स्पर्म, ए प्रोसेस बाय विच हैप्लोइड
मैच्योर, हैप्लोइड एंड मैच्योर भी कह सकते हैं, यानी कि हैप्लोइड स्पर्मो स्पोर स्पर्मेटाजेनेसिस, स्पर्मेटाजेनेसिस। ओके, ये जो स्पर्मेटाजेनेसिस जो प्रोसेस होता है वो मेल में होता है, वो जेनेसिस का जो फॉर्मेशन होता है या जो प्रोसेस होता है वो समझ लोगे, ए प्रोसेस बाय व्हिच फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड ओवम, हैप्लोइड ओवम एंड एग्स, इट प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड टू जेनेसिस, इट प्रोसेस हैज या इट प्रोसेस ओक्यूर इन 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 फीमेल, इन फीमेल। अब इसको समझेंगे, स्पर्मेटाजेनेसिस जो यानी यू कैसे स्पर्मेटाजेनेसिस इज यू कह सकते हैं कि इनिशिएटेड, इनिशिएटेड एट द प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी, बट ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड एट द एम्ब्रियोनिक, यू कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज। आप समझ जाएंगे ओजेनेसिस का जो प्रोसेस है, इट इज द इनिशिएट एट द इट मींस इट इनिशिएट एट द डेवलपिंग एज या यू कह सकते हैं सॉरी एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी जो ओजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है वो यू कह सकते हैं कि फीटल की जो ओविज, यानी जो फीटल ओविज होती है उसमें प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसको हम लोग बाद में इस प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पर मेटाजेनेसिस, आप समझ गए होंगे फॉर्मेशन ऑफ, यू कह सकते फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, या आप इसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट समझ लें यू कह सकते हैं, इसको अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड स्पर्म इन मेल टेस्टिस, मेल टेस्टिस बाय द डिप्लोइड जर्म सेल, दीज जर्म सेल आल्सो कॉल्ड प्री, यू कह सकते प्री ऑक्सीडियल, यानी कि प्री प्री ऑक्सीडियल सेल्स आल्सो या स्पर्मेटागोनियल सेल्स आल्सो, है ना। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि मानव नर के टेस्टिस यानी प्रमुख जो सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में जो डिप्लोइड सेल्स है उनमें यू कह सकते हैं मियोसिस सेल डिवीजन से हैप्लोइड, हैप्लोइड जो स्पर्म का फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब यू कह सकते हैं इट प्रोसेस यू कैन इनिशिएट या स्टार्ट, आप लोग उसको समझ सकते हैं स्टार्ट्स इन ए प्यूबर्टी, यू कह सकते हैं एट द प्यूबर्टी, एट द प्यूबर्टी एज यू कह सकते हैं अप्रोक्स 14 टू 16 ईयर, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि प्यूबर्टी एज स्टार्ट या कम इन मेल 14 आफ्टर 14 टू 16 ईयर टू ब्रीथ इन, जन्म से 14 टू 16 ईयर के बाद आती है। ओके, तो प्यूबर्टी एज के अंदर ये स्टार्ट होता है और स्पर्मेटाजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है वो मेल का एट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है और ये इसके हैप्लोइड्स यानी गैमेट्स है व्हिच टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग समझ चुके होंगे कि ये जो प्रोसेस है प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होता है और इट प्रोसेस कंटिन्यूस, इट प्रोसेस या स्पर्मेटाजेनेसिस कंटिन्यूसली फ्रॉम प्यूबर्टी टू, फ्रॉम प्यूबर्टी टू टिल डेथ, प्यूबर्टी टू टिल डेथ, यानी नर के नर यू कह सकते हैं ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन मेल में ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है कि टिल डेथ होता है, लेकिन यू कह सकते हैं इसमें मेटाजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो फर्दर ईयर ईयर बाय ईयर आफ्टर द 50 ईयर यानी डिक्रीजेशन हो जाता है, इसमें डिक्रीजन होता है लेकिन फॉर्मेशन रेगुलरली रहता है। ओके, इसको भी हम लोग समझेंगे। अब हम लोग यहाँ पर फर्क पा रहे हैं स्पर्मेटाजेनेसिस का जो फॉर्मेशन है, स्पर्मेटाजेनेसिस जो प्रोसेस है इट इज कंसिस्ट या इट इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स, हमने इसको टू डिवाइड टू स्टेप में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो स्टेप मैं यहां पर आना चाहूंगा, फर्स्ट स्टेप इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, इसको आप लोग समझेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस डिवाइडेड इनटू two steps kind दो लवी कांड kinds तो क्या होता है एक ही के जो यू कह सकते हैं एक ही के जो प्रकार उसको हम पढ़ेंगे या उसके step पढ़ेंगे। ओके, तो first step is spermatocytogenesis, इसको आप लोग हिंदी में भी समझ सकते हैं formation of spermatid यानी शुक्राणु पूर्व का यानी इस process यानी first process में formation of यानी कह सकते हैं process by which एक यानी कह सकते हैं process formation of haploid spermatid, haploid amateur and non-motile, amateur and non and inactive cells, these are spermatid, these are formation of spermatid। इसको आप समझें इस प्रोसेस में एक्चुअल में
शुक्राणु पूर्व के लिए स्पर्म मैट्रिक्स जो सेल्स उनका फॉर्मेशन होता है और दीज आर आल्सो हैप्लॉइड बट दीज आर इनएक्टिव, ये समझेंगे, दीज आर इनएक्टिव फॉर या इनएक्टिव टू फर्टिलाइजेशन, दे डू नॉट टेक पार्ट या दे डू नॉट टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन या दे डू नॉट फ्यूज द ओवम, ये आप समझ सकते हैं कि वाटर यू कर सकते हैं, अगर बात यू कर सकते हैं तो मेन फंक्शन ऑफ स्पर्म की बात हम कर सकते हैं, स्पर्म टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूज द ओवम वॉल एंड ओवम मेम्ब्रेन, ओवम की जो मेम्ब्रेन है उसको फ्यूज करने का काम कौन करता है, एक एक्टिव स्पर्म करता है, ओके। तो यहां पर क्या इनएक्टिव होंगे एंड नॉन मोटाइल, ये ध्यान देंगे नॉन मोटाइल, ओके, इनएक्टिव नॉन मोटाइल एंड यू एनलार्ज इन साइज, एनलार्ज इन साइज। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड्स, दिस प्रोसेस नोन एज स्पर्मेटो, ये इसको कंफर्म कर लें सभी स्टूडेंट्स will be write in your notebook, so apni notebook mein isko likhenge, spermatocytogenesis, it is a process of the, it is a process of the formation of spermatid, sperm ya haploid spermatid cells known as the spermatocytogenesis, okay, spermatogenesis jo process students usko we will divide it, ya you keh sakte hain ki hum isko teen bhagon mein baatenge, ya you keh sakte hain ki this process consists of following three स्टेप्स, ओके, थ्री स्टेप्स, और वो ही अभी मैंने आपको समझाया गैमेटोजेनेसिस की, जो आपको जो मैंने स्टेप समझाया था वो स्टेप इसके पहले स्टेप में होंगे, यानी गैमेटोजेनेसिस की जो तीन स्टेप थे मैचुरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ एंड वो ही इसके स्पर्मेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन होंगे। तो यू कह सकते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्रोसेस इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री स्टेप्स, फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इसको मैं आप समझ पा रहा हूं, समझा रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से आप समझेंगे इसमें क्या होता है कि जो टेस्टिस आप सबसे पहले समझेंगे कि यू कह सकते हैं एवरी मेल, यू कह सकते मेल जो ह्यूमन होता है, ये ह्यूमन मेल होता है हैज टू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस, और एवरी टेस्टिस कंसिस्ट यू कैसे कंटेन द सेमिनिफेरस ट्यूबर्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स, हमने पहले बता दिया था कि एवरी टेस्टिस कंटेन ऑफ द seminiferous tubules, और seminiferous tubules are structural function unit of testes, they produce the sperm by the spermatogenesis, इसी प्रोसेस में बढ़ रहे हैं कि जो testes के अंदर जो seminiferous tubules जो होती है वो ही एक्चुअली स्पर्म को फॉर्म करती है। तो हम लोग इसको ज्यादा ब्रीफ में ना लेकर हम लोग इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में जो जो मेल में ये प्रोसेस एक्चुअल मेल में होता है, इस प्रोसेस के बाद में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये प्रोसेस मेल के एक्चुअल में कहां पर होती है, टेस्टिस, यानी इट प्रोसेस बीइंग इन टेस्टिस ऑफ द मेल, ये ध्यान देंगे, इट इनिशिएटेड एट द प्यूबर्टी, एज ये भी मैंने आपको बता दिया, और बाय द प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये सारी बात हो गई। अब यू कैसे टेस्टिस के अंदर जो रेता नलिका या जो सेमिनिफर ट्यूबल्स होती है, जो सेमिनिफर ट्यूबल जो फंक्शन है स्टल यूनिट्स ऑफ द टेस्टिस, वो उन्हें हम लोग कैसे जर्म सेल्स कह सकते हैं। आप इसको समझे कि मैंने आपको बता दिया था कि ईच सेमिनिफर ट्यूबल्स कवर विद द टू मेम्ब्रेन या टू लेयर्स, ये हम लोगों ने बताया ट्यूनिक का प्रोपेलिया एंड जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम इज लाइन बाय द टू सेल्स, फर्स्ट वन इज द जर्म सेल, फर्स्ट वन वाज जर्म या फर्स्ट वन इज जर्म, सेकंड इज सर्टोली, सेकंड इज सर्टोली, इसको हालांकि मुझे यहां एक्सप्लेन करने का हो सकता नहीं, ये बता दूंगा, यू कह सकते हैं कि ए सेवरल जर्म सेल कंटेन इन सेमिनिफेरल ट्यूबल्स, ओके, और सेमिनिफेरल ट्यूबल्स की जो जर्म सेल्स होती है वही इसमें भाग लेती है। तो मैंने यहां दिखाया कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के प्रोसेस में फर्स्ट जो प्रोसेस है स्टेप है वो मल्टीप्लिकेशन है, इन दिस प्रोसेस या इन दिस फेज जर्म सेल इन ऑल द जर्म सेल ऑफ टेस्टिस या सेमिनिफेरल ट्यूबल्स, ओके, ऑल द जर्म सेल या डिप्लोइड जर्म सेल विच नंबर एज 46 क्रोमोसोम्स और विच आर 44 प्लस एक्स वाई, आप समझ चुके होंगे कि ऑल द जर्म सेल्स आर क्रोमोसोम नंबर्स आर 46 और यू कह सकते हैं 44 प्लस एक्स वाई बिकॉज़ इट इज ए मेल, ओके। तो यू कह सकते हैं इन दिस फेज जर्म सेल डिवाइडेड रेगुलरली डिवाइडेड बाय द माइटोटिक सेल डिवीजन एंड इंक्रीज देयर नंबर, ये मैंने अभी बता दिया, इसको वापस समझ ले, ये मल्टीप्लिकेशन मैंने भी यहां समझाया था। तो गैमेटोजेनेसिस चाहे ओजेनेसिस हो या अदरवाइज स्पर्मेटोजेनेसिस, यू कह सकते हैं कि बोथ प्रोसेस आर सेम, ओके। अब यहां पर जो इन दिस फेज ऑल द डिप्लोइड जर्म सेल रेगुलरली divided by the mitosis divisions mitosis ye mitosis mitotic division and increase their numbers and produce the same number same
सेल्स विद क्रोमोजोम नंबर्स, विद क्रोमोजोम नंबर्स आप देख पा रहे हैं कि दिस इज डिप्लॉयड और दीज आर आल्सो डिप्लॉयड। ओके द फर्स्ट सेकंड फेज आर ग्रोथ, सेकंड फेज आर ग्रोथ, ये आप समझ गए होंगे, ये मैंने आपको बता दिया, सेकंड फेज इज ग्रोथ। ओके इट इज अ ग्रोथ या वर्दी, यू कैन वर्दी भी कह सकते हैं इन दिस फेज, या इट फेज कम आफ्टर द मल्टीप्ले, कैसे ये फेज इसके बाद आती है इन दिस फेज या इन दिस स्टेप ऑल द स्पर्मेटागोनियस सेल्स। मैं अभी बताना भूल गया कि जो जर्म सेल्स है बाय द यू प्रोड्यूस द स्पर्मेटागोनियस सेल, स्पर्मेटागोनियस वी कैन आल्सो यू कैसे जर्म एंड स्पर्मेटागोनियस सेल्स आर इक्वल एट द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, बट यू कह सकते हैं जर्म सेल प्रोड्यूस द स्पर्मेटागोनियस सेल्स, स्पर्मेटागोनियस सेल्स यही कह सकते हैं कि व्हिच सेल्स प्रोड्यूस बाय द जर्म सेल वी कॉल्ड स्पर्मेटागोनियस, हम उसको स्पर्मेटागोनियस सेल्स बोलेंगे। इन दिस फेज All the spermatogonous cells, you कह सकते हैं कि यह some spermatogonous cells you कह सकते can be rest, यानी rest करती है, और some may be part in growth, यानी you कह सकते हैं कि यहाँ पर जो spermatogonous cells मैंने यहाँ पर दो बार दिखाया था, ये तो है नहीं, क्यों कह सकते हैं this is a single number, you कह सकते दे रहा है a lot of germ cell are containing testes, containing the testes, testes में most तो यू कह सकते हैं कि सम स्पर्मेटागोनिया यू कैन टेक रेस्ट एंड सम एंटर द नेक्स्ट फेज। इन दिस फेज स्पर्मेटागोनिया सेल्स इंक्रीज देयर, यानी कि ग्रोथ एंड ग्रो एंड इंक्रीज देयर साइज, ये आप समझेंगे इंक्रीज देयर साइज, यू कह सकते हैं कि दे मे बी अप्रोक्स इंक्रीज अप्रोक्स टू टू थ्री टाइम, यानी कह सकते हैं टू टू थ्री टाइम इनका जो जो साइज वो बढ़ सकता है। ओके तो स्पर्मेटागोनिया इंक्रीज देयर नंबर एंड इंक्रीज देयर साइज एंड प्रोड्यूस, एंड प्रोड्यूस बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, प्रोड्यूस तो नहीं बोलेंगे, एंड ट्रांसफर एंड बिकम प्राइमरी स्पर्म मदर सेल, और दीज आर आल्सो डिप्लॉयड, ये सो समझे। इन दिस फेज सेल डिवीजन, यानी एनी सेल डिवीजन आयन, एनी सेल डिवीजंस आर एब्सेंट इन दिस फेज, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई सेल डिवीजन नहीं होता इन दिस प्रोसेस के अंदर। इस पर मेटागोनियस सेल्स के जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में एक्चुअली यू कह सकते हैं साइटोप्लाज्म इंक्रीज यू कैन एक्सेप्ट थ्रू द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके इसको समझेंगे आप लोग, एंड प्रोड्यूस एंड ट्रांसफॉर्म प्राइमरी स्पर्म मदर सेल्स, यानी स्पर्म मेटागोनियस सेल्स ग्रोथ करके प्राइमरी स्पर्म मदर सेल, यानी प्राथमिक शुक्राणुमात्र कोशिका, या इसको प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं, या प्राइमरी स्पर्मेटा जो स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं, तो आप इसको समझ लेंगे प्राइमरी स्पर्म मदर सेल्स। ओके आफ्टर दिस ग्रोथ अगर यू कह सकते हैं ये ग्रोथ जो फेज होती है, इस ग्रोथ के फेज के बाद मैच्यूरेशन मैच्यूरेशन फेज कम आफ्टर दिस ग्रोथ। इन दिस फेज प्राइमरी स्पर्म मदर सेल, यानी कैसे प्राइमरी जो स्पर्म मदर सेल्स है डिवाइडेड बाय द मियोसिस सेल डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन इज कंसिस्ट टू काइंड्स, यानी कंसिस्ट टू स्टेज, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस थर्ड, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो इन दिस प्रोसेस या इन दिस फेज प्राइमरी स्पर्म मदर सेल डिवाइडेड बाय द मियोसिस फर्स्ट एंड प्रोड्यूस टू हैप्लोइड सेकेंडरी स्पर्म मदर सेल, और व्यू कैसे दीज आर हैप्लोइड द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि आप इसको समझे मैं यहां पर एक अलग लेख बता सकता हूं कि एक म्यूसिस डिवीजन व्हेन हेल्ड इन या यू कह सकते हैं व्हेन ओक्यूलिनेट डिप्लोइड सेल्स, और हम समझ सकते हैं कि म्यूसिस सेल डिवीजन ओनली ओक्यूलिनेट डिप्लोइड सेल्स, और इट हेल्ड ओनली ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, यानी ये ध्यान देंगे ऑल द ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें म्यूसिस सेल डिवीजंस ओनली ओक्यूर ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, ये ध्यान देंगे, और इट हेल्ड या यू कह सकते इट हेल्ड ओनली डिप्लोइड्स गोनेट्स सेल्स, डिप्लोइड गोनेट्स सेल्स व्हिच आर ओक्यूर टेस्टिस एंड ओवरी, इसका कंफर्म कर ले इसको। ओके तो डिप्लोइड यू कह सकते व्हेन म्यूसिस सेल डिवीजन यू डिप्लोइड सेल डिवाइडेड बाय म्यूसिस डिवीजन इट डिप्लोइड सेल प्रोड्यूस फोर हैप्लोइड सेल्स बाय द
म्यूसिसेल डिवीजन, फर्स्ट म्यूसिसेल डिवीजन से इट बिकम ट्रांसफर इनटू टू हैप्लॉइड सेल्स एंड आफ्टर देन दीज हैप्लॉइड सेल्स डिवाइडेड बाय द म्यूसिस सेकंड एंड म्यूसिस सेकंड सेल डिवीजन इक्वल टू माइटोसिस और ये यू कह सकते हैं यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन बिफोर क्लास आप लोग लास्ट वीडियो पढ़ भी चुके होंगे हैप्लॉइड सेल्स में डिवीजन हो म्यूसिस सेकंड म्यूसिस सेकंड इज इक्वल टू माइटोसिस and you can say every haploid cell produce two equal haploid cells then we can say a diploid cell produce four haploid cell by the one या single meiosis cell division तो वही मैं आपको यहाँ पर यूँ कर सी यहाँ पर आपको दिखाने प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें का जो secondary इस पर mother cells हो उसका formation होगा then secondary इस पर mother cells इज यू के ये ध्यान समझेंगे ईच सेकेंडरी इस पर मदर सेल्स इज हैप्लोइड द क्रोमोसोम नंबर तो यू कैन से दे में भी यू कैन से इट में भी 24x अदरवाइज 24y ये मैं आपको पहले बता चुका हूं यू कह सकते हैं इसमें जो डिप्लोइड जो क्रोमोसोम नंबर्स यू कह सकते हो क्या होगा 46 होगा इन भी क्या होगा 46 होगा तो क्रोमोसोम नंबर्स के आप लोग कंफर्म करें क्रोमोसोम नंबर्स में भी यू कह सकते इसमें क्या होगा क्रोमोसोम नंबर्स आर 46 और आफ्टर द मियोसिस फर्स्ट form the secondary sperm mother cells these chromosome numbers are 23 these cells divided by the meiosis second and maturation second because we can also say maturation okay meiosis second and divided and produce four equal haploid spermatid cells in cells which are called spermatid विचार स्पर्मेटेड ओके तो इन दिस प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस जो साइटोजेनेसिस प्रोसेस है इसमें इन तीन फेज के माध्यम से एगुणित यू कह सकते हैं हैप्लोइड यानी हैप्लोइड नॉन मोटाइल इनएक्टिव एंड एनलार्ज यू कैसे लार्ज इन साइज यू कैसे चार सेल्स का फॉर्मेशन होता है इन दिस फेज या इन दिस स्टेप यू कह सकते हैं अंडरगो स्टार्ट सेकंड प्रोसेस और यू कह सकते जो सेकंड स्टेट वो है स्पर्मेटोलियोसिस यू कह सकते हैं कि अभी मैंने बता दिया था आपको कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फर्स्ट फॉर्मेशन या फर्स्ट प्रोसेस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इसके बाद में स्पर्मेटोलियोसिस इन दिस प्रोसेस यानी ये इट प्रोसेस कम्स आफ्टर दिस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इन दिस प्रोसेस बहुत सिंपल प्रोसेस है इसको आप समझिए स्पर्मेटोलाइसोसिस ए प्रोसेस बाय विच हैप्लोइड इसको आप लोग यू कैन राइट इन योर नोटबुक हैप्लोइड नॉन मोटाइल यहां पर लिख रहा हूं हैप्लोइड नॉन मोटाइल इनएक्टिव एंड लार्ज सेल स्पर्मेटिड transform in a haploid motile active and small in size which no yeah you can say which call you can say the which known as sperm and simple si baat hai ki a process by which non motile inactive and large spermatid transformed into yeah you in motile active and small in size cell called as a स्पर्मेटोलाइसिस या इस प्रोसेस के द्वारा जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड है इनएक्टिव स्पर्मेटिड्स है वो कन्वर्ट इनटू ए मोटाइल स्पर्म यानी मोटाइल स्पर्म में ये क्या होता है ट्रांसफॉर्म होता है जिससे हम लोग हिंदी में शुक्रकायांत्रण क्या कहते हैं शुक्रकायांत्रण क्योंकि विदाउट दिस प्रोसेस स्पर्मेटिड कांट फ्यूज विद एनी ओवम ओके ये ध्यान देंगे क्योंकि इनएक्टिव जो स्पर्म होता है कांट टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन एंड कांट यू कह सकते हैं फ्यूज द ओवम मेम्ब्रेन ओवम की जो मेम्ब्रेन उसको फ्यूज नहीं कर सकते इट इज ए कंपल्सरी प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस ये बहुत लंबा प्रोसेस है और मैं इसके लिए यू कह सकता हूँ आई वुड
मैं के फर्दर या मैं के डिफरेंट, मैं के सेपरेट वीडियो फॉर दिस इस पर मेटो लिवसी, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट। तो अभी हम लोग इसको समझ चुके होंगे और इसी डायग्राम के माध्यम से अभी आपने इसको डेफिनेशन लिख लिया होगा। इस पर मेटो लिवसी का प्रोसेस इतना सा सिंपल सा है, यू कैसे इनएक्टिव हैप्लोइड एंड नॉन मोटाइल एंड लार्ज स्पर्मेटिड ट्रांस स्पर्मेटिड सेल स्पर्मेटिड सेल्स ट्रांसफॉर्म इन हैप्लोइड एक्टिव एंड यू कह सकते हैं स्मॉल इनसाइज सेल, दिस प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोलियोसिस। ओके, आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं, यहां देख रहे हो दीज आर हैप्लोइड और दीज आर स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड सेल्स ट्रांसपोर्ट इनटू मोटाइल स्पर्म और दीज आर स्पर्म, जो मैंने यहां डायग्राम में समझा दिया है। और यहां पर आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा क्यों कैसे प्राइमरी स्पर्म मदर सेल एंड डिप्लोइड, प्राइमरी स्पर्म मदर सेल प्रोड्यूस फोर हैप्लोइड स्पर्म, इसको कंफर्म कर लेंगे। यू कैसे ईच प्राइमरी स्पर्म मदर सेल, इसको कंफर्म कर ले, प्राइमरी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और यू कह सकते हैं कि यू विल राइट इन योर नोटबुक प्राइमरी स्पर्म मदर सेल प्रोड्यूस फोर हैप्लोइड स्पर्म। ओके, तो वी कांट कैलकुलेट इफ अगर आपको वहां पर नंबर संख्या दी जाए कि यू कह सकते हैं वन प्रोड्यूस फोर, देन यू कह सकते हैं हाउ विल प्रोड्यूस 250 सेल्स। अगर मान लीजिए 250 सेल दे दी आपको वहां प्राइमरी स्पर्म मदर सेल की संख्या दे दे, तो वी कैलकुलेट या वी मल्टीप्लाई बाई फोर। ये ध्यान देंगे, इफ ए प्राइमरी स्पर्म मदर सेल प्रोड्यूस फोर हैप्लोइड स्पर्म, इसको कंफर्म कर लें, तो देन हाउ नंबर यू कह सकते हैं कि हाउ विल प्रोड्यूस 250 प्राइमरी स्पर्म मदर सेल, यानी प्राइमरी स्पर्म मदर सेल द्वारा कितने स्पर्म का प्रोड्यूस होगा, तो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 4, इसको कंफर्म कर लेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आई विल रिपोर्ट, मैं इसको रिपीट करूंगा, ए या ईच प्राइमरी स्पर्म मदर सेल प्रोड्यूस फोर हैप्लोइड हैप्लोइड स्पर्म, इसको आप कंफर्म कर लेंगे। और यू कैन इट इज ए रैंक ऑफ ईच प्राइमरी स्पर्म मदर सेल, ये उसी प्रकार क्वेश्चन है। अगर हम लोगों को किसी भी थीम का अगर रेट अगर यू कैन रेट या वैल्यू मालूम होती है तो हम लोग मल्टीप्लाई बाई दिस रेट, हम उसको रेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप समझ गए होंगे। तो यू कह सकते हैं ये जो डायग्राम आप लोगों को मैंने डायग्राम बना समझा दिया स्टूडेंट, इसको आप लोग कह सकते हैं ड्रॉ कर लेंगे। इस डायग्राम के बाद मैंने समझाया कि डिप्लोइड जर्म सेल डिवाइडेड बाय रेगुलरली रिप्रोड्यूसर एंड इंक्रीज देयर नंबर्स एंड फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स आफ्टर इन दिस ग्रोथ फेज इंक्रीज देयर साइज एंड बिकम प्राइमरी स्पर्म मदर सेल्स। ओके, दिस यू कैन सेल विद क्रोमोसोम नंबर 46, ये आप कंफर्म कर लेंगे। इन दिस फेज प्राइमरी स्पर्म मदर सेल्स यू कैन सेल देयर यू कैन सेल आई एम टेकिंग अ सिंगल बट देयर आर अ लॉट ऑफ, यू कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो फॉर्मेशन जो होता है वो 72 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, ये कंफर्म कर लेंगे। और इट इज अ रेगुलर एंड कंटीन्यूअसली प्रोसेस इन मेल, मैं बता चुका हूं। लेकिन यू कह सकते हैं एक स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन जो कंप्लीट, यू कह सकते हैं हाउ मच टाइम, यू कह सकते हैं कितना टाइम लेता था हम लोग का, वी कैन राइट 72 आवर्स टेक, यू कह सकते हैं कि 72 आवर्स रिक्वायर फॉर वन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। ओके, अब इसको आगे बढ़ते तो ये आप लोग पूरा समझ चुके होंगे, डायग्राम को ड्रॉप करो। अब स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट हम लोगों ने रखा है इसमें कि जो स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इनिशियल स्टार्ट, अभी मैं बता दिया इनिशिएट इन द प्यूबर्टी फेज, ये मैं बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूं आप लोगों को और आप समझ रहे होंगे प्यूबर्टी फेज होता है। लेकिन यू कैसे विच हार्मोन्स कंट्रोल द स्पर्मेटोजेनेसिस, तो मैंने यहां पे लिखा है हार्मोन जो कंट्रोल है कौन कौन हार्मोन्स है, ये तो मालूम है कि ये प्रोसेस प्यूबर्टी फेज में स्टार्ट होता है 14 टू 16 में होता है, लेकिन इस प्रोसेस को स्टार्ट कौन करता है, तो सबसे पहले बता दूं कि यू कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल बाय द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन व्हिच रिलैक्सिंग बाय द हाइपोथैलेमस। तो आप इसको समझ लीजिए हमें एट द प्यूबर्टी एज, यानी प्यूबर्टी एज में हाइपोथैलेमस ग्लैंड वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट दिस ग्लैंड्स, मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड्स व्हिच ग्लैंड सीक्रेटेड द या सीक्रेशन द गोनेडोट्रोपिक रिलैक्सिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलैक्सिंग हार्मोन व्हिच हार्मोन स्टिमुलेटिंग द एंटीरियर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है ये उसका कौन सा भाग है, अग्रभाग है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या स्टिमुलेट करता है, और व्हिच ग्लैंड सीक्रेटेड यानी सीक्रेशन द ICSH एंड FSH यानी द यू का एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स सीक्रेशन ऑफ द टू हार्मोन्स, वन ऑफ द
इंटरस्टीशियल सेल, इसको आप लोग पूरा फॉर्म में लिखेंगे, इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यू कैन बोथ हार्मोन्स यू कैसे स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग द टेस्टिस, यानी टेस्टिस की स्टिमुलेट करेंगे, और टेस्टिस किसको, FSH जो होंगे, कॉमन सी बात है। इट हार्मोन स्टिमुलेटिंग ऑफ द सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स ऑफ द टेस्टिस, और यू कैसे विच सीक्रेट सेवरल फ्लूड्स, यू कह सकते हैं सेवरल फ्लूड्स, यानी जो सर्टोली सेल्स होते हैं सेवरल फ्लूड्स करते हैं, और इट contain 1 2 3 7 tubules and interstitial cells, or interstitial cells act as a endocrine cells in testis gland, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो यू कह सकते हैं ICSS, ये कौन सा which hormone, कौन सा hormone है, it hormone stimulating the interstitial cell of testis, or this is a diploid, or certainly also diploid, और यू कैच विच सेक्रेशन ऑफ द टेस्ट स्टेरोन, टेस्टिस की कौन सी सेल्स, विच सेल्स, इंटरस्टीशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग द टेस्ट स्टेरोन हार्मोन, और दिस हार्मोन या विच हार्मोन स्टिमुलेटिंग द जर्म सेल, स्टिमुलेटिंग द जर्म सेल, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म फॉर्मेशन। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स आल्सो, तो यू कह सकते हैं देयर आर थ्री एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर टेक पार्ट इन स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को आप समझ गए होंगे, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स सेक्रेशन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन रिलैक्सिंग हार्मोन व्हिच स्टिमुलेटिंग द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेशन ऑफ द